चिमन भाई का देहांत हो गया तब कोई पाटीदार लीडर बचा भी नहीं था। कि कड़वा पाटीदार का यहाँ बच्चा जो पैदा होता है उनको गलतुथी में पहली जो बूंद रखी जाती है वो कमल के जूस की बूंद रखी जाती है। तो लेवा पाटीदार बीजेपी के साथ रहे ऐसा नहीं कह सकते, लेवा पाटीदार केशुभाई के साथ रहे। प्रदेश का मुखिया ऐसा होना चाहिए, मतलब जो एक ऑरा जो है शंकर सिंह वाघेला का वो क्लास। नरेंद्र भाई ने सबसे ज्यादा, वो खुद बोलते रहे कि सबसे ज्यादा खाना खाया होगा तो गुलाबबाई यानी कि शंकर सिंह वाघेला की जो पत्नी थी उनका। हर किसी के दिल में कोई रहता था तो केशुभाई रहते थे, केशु बापा रहते थे। चिमन भाई का देहांत हो गया तब कोई पाटीदार लीडर बचा भी नहीं था। तो बीजेपी के जितने भी पाटीदार लीडर थे, केशुभाई पटेल से लेकर जितने भी थे, उनके लिए पाटीदारों के लिए और कोई बड़ा चेहरा नहीं था। तो पाटीदार लीडर के तौर पे चिमन भाई जो है, एक छोटे सरदार गए तो पाटीदारों को और एक सरदार मिल गए जो केशुभाई पटेल है। और ये जो खाम थ्योरी दी थी इन्होंने चिमन भाई पटेल ने, उसमें पाटीदार माधव सिंह सोलंकी ने, इन्होंने कोकम थ्योरी दी थी, इसमें पाटीदार वो थे ना जो बिल्कुल कोकम यानी कि कणबी जो है। हाँ। गुजरात में पाटीदार पटेल लिखने वाले मुस्लिम लोग भी पटेल लिखते हैं, कोली जैसे अहमद पटेल थे, कोली यानी कि जो समुद्री बेलपट जो है वो भी कोली पटेल लिखते हैं, आज भी कई विधायक कोली पटेल है। लेकिन जो सवर्ण पटेल है उनको कणबी पटेल बोला जाता है। कणबी पटेल में दो टाइप के हैं, एक कड़वा पटेल और एक लेवा पटेल। जो कड़वा पटेल है उनकी कुलदेवी जो है जो उंझा उमिया मंदिर माना जाता है, और लेवा पाटीदार जो है उनकी खुडल धाम करके है जो खुड़ियार माता है। दोनों है एक ही, लेकिन दोनों की पॉलिटिकल सोच पहले से बटी रही है। कड़वा पाटीदार पहले से, क्योंकि एक के पटेल पहले सांसद थे, कड़वा पाटीदार थे, कड़वा पाटीदार पहले से बीजेपी के साथ रहे। हमारे में यह कहा जाता है नॉर्थ गुजरात में कि कड़वा पाटीदार का यहाँ बच्चा जो पैदा होता है उनको गलतुथी में पहली जो बूंद रखी जाती है वो कमल के जूस की बूंद रखी जाती है। गुजराती में बोलता है कि एक कमल निकला हुआ बंदा है बच्चा जो मतलब भाजपा का वोटर आ गया, कमिटेड बीजेपी का वोटर है। जबकि लेवा पाटीदार है वो कमिटेड उसके लिए नहीं है कि बीजेपी का जरूर है, केशुभाई के साथ रहा था। मतलब केशुभाई लेवा पाटीदार की जो ज्यादा आबादी है वो सौराष्ट्र में, और केशुभाई सौराष्ट्र से थे। तो लेवा पाटीदार बीजेपी के साथ रहे ऐसा नहीं कह सकते, लेवा पाटीदार केशुभाई के साथ। और जब केशुभाई को दूर किया गया तो नेचुरली उनका कमिटमेंट या तो जो कमिटेड जो वोटर था बीजेपी के साथ का जो बाउंडिंग था वो कुछ हद तक कम हो। गुजरात की जब हम पूरी पॉलिटिक्स देखते हैं ना तो इसमें दो तीन बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर आते हैं निकल करके। जैसे सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, अगर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर मुझे कोई लगता है शंकर सिंह वाघेला, बापू लोग कहते हैं। देखिए बापू गुजरात की राजनीति के सही में बापू, बापू को आप जब भी देखोगे तो उनके चेहरे पर एक जो राजस्वी तेज होता है आपको रियल लगेगा कि नहीं अब भी 82-83 साल की उम्र में। प्रदेश का मुखिया ऐसा होना चाहिए, मतलब जो एक ऑरा जो है शंकर सिंह वाघेला का वो क्लास। जैसे कि मैं बता रहा था कि शंकर सिंह ओबीसी माफ कीजिए क्षत्रिय, नरेंद्र भाई उनके साथ में रहते थे, नरेंद्र भाई उनके साथ घूमते थे। नरेंद्र भाई ने सबसे ज्यादा, वो खुद बोलते रहे कि सबसे ज्यादा खाना खाया होगा तो गुलाबबाई यानी कि शंकर सिंह वाघेला की जो पत्नी थी उनका। उन जमाने में शंकर सिंह वाघेला के टू व्हीलर पर नरेंद्र भाई साथ में रहते थे, दोनों नॉर्थ गुजरात से थे, दोनों प्रचारक थे आरएसएस के, दोनों कमिटेड थे। शंकर सिंह वाघेला गुजराती में कहते हैं कि खाते पीते सुखी थे, यानी कि अमीर नहीं थे लेकिन समृद्ध थे, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, जमीन अच्छी खासी थी। उनके फादर लक्ष्मण जी वाघेला थे, उनकी अच्छी खासी जमीन थी। उन दिनों में बीजेपी और आरएसएस के पास इतना पैसा नहीं होता था, कोई फंडिंग भी नहीं करने वाला होता था। तो शंकर सिंह वाघेला जो थे वो ज्यादा घूमने वाले भी थे। शंकर सिंह वाघेला जो नींव रखने वाले बीजेपी की गुजरात में नींव रखने वाले चार लोग हैं, केशु भाई, काशीराम भाई, नरेंद्र भाई और शंकर सिंह वाघेला, उसमें कोई दो राय नहीं है कि सबसे बड़े शंकर सिंह वाघेला थे। क्योंकि शंकर सिंह वाघेला नॉर्थ गुजरात से थे लेकिन गुजरात भर में वो घूमते थे। केशु भाई पाटीदार थे लेकिन उस शुरुआत के दिनों में वो सौराष्ट्र तक सीमित थे। तो शंकर सिंह का एक और था, शंकर सिंह वाघेला को राज्यसभा में लेकर भी गए। शंकर सिंह वाघेला
अटल बिहारी वाजपेयी जी के बहुत करीबी माने जाते थे। तो मैं एक मिनट यहाँ रोकना चाहूँगा सर आपको, फिर ये जो शंकर सिंह वाघेला आप कह रहे हैं कि बीजेपी को स्थापित करने वाले में थे, 90 में जब जनता पार्टी की सरकार बनती है यहाँ पे और चिमन भाई पटेल वहाँ के मुख्यमंत्री बनते हैं, तो क्यों नहीं शंकर सिंह वाघेला को डिप्टी सीएम बना दिया गया, उसकी जगह पे केशुभाई पटेल ही डिप्टी सीएम बने उस गवर्नमेंट में? देखिए, क्योंकि पाटीदार वोटर ज़्यादा था और शंकर सिंह वाघेला के शुरुआत के दिनों में जो इंटरेस्ट था वो केंद्रीय राजनीति में था। अच्छा। ये वजह रही कि वो राज्यसभा के सदस्य भी बने थे और केंद्रीय नेतृत्व जो था उन दिनों में वाजपेयी जी, उनके मैंने जैसे बताया वो खास हुआ करते थे, तो उनके दिल दिमाग में हो सकता है मुख्यमंत्री बनने की अपेक्षा हरदम रही, उसमें कोई डाउट ही नहीं, लेकिन उनका लगाव केंद्र के साथ था और बीजेपी मानती थी कि पाटीदार जो है उनको अट्रैक्ट करना है, उनको अपील करना है, तो केशुभाई थी। और चिमन भाई के जाने के बाद केशुभाई को लोग केशुभाई नहीं बोलते थे, बापा बोलते थे, खुद नरेंद्र भाई भी बापा बोलते थे, काशीराम भाई भी बापा बोलते थे और शंकर सिंह भाई भी बापा बोलते थे, और एक ऐसे लीडर थे सबको जोड़ पाए, काफ़ी बोले भी थे, काफ़ी अपीलिंग भी थे, क्योंकि बाकी जो लीडर्स थे वो पॉलिटिकल नज़र आते थे कि नरेंद्र भाई तो पॉलिटिकल लीडर नज़र आते थे, काशीराम भाई तो पॉलिटिकल लगते थे, शंकर सिंह तो उनकी पॉलिटिकल एम्बिशन दिखती थी वाघेला की, लेकिन केशुभाई जो थे उनकी पॉलिटिकल एम्बिशन नज़र नहीं आती थी। हर किसी के दिल में कोई रहता था तो केशुभाई रहते थे, केशु बापा रहते थे, और सौराष्ट्र जो था वो बहुत बड़ा बेल्ट हुआ करता था, और सौराष्ट्र जो था क्योंकि 60 के बाद, क्योंकि सौराष्ट्र जब देश एक हुआ तो सौराष्ट्र और गुजरात, सौराष्ट्र के जो भी रजवाड़े थे, किंगडम थे, वो अलग माने जाते थे, तो सौराष्ट्र के लोग, भले गुजरात बन चुका था लेकिन सौराष्ट्र अलग प्रदेश है, इस तौर पर लोग मानते थे कि आप कहाँ से हैं, तो लोग जब सूरत में कोई सौराष्ट्र का रहता था तो ये बोलता है मैं मेरे देश में जा रहा हूँ। अच्छा। यानी कि सौराष्ट्र को जोड़ना जरूरी था बीजेपी के साथ, क्योंकि वो अपने आप को वहाँ के लोगों की जो मेंटालिटी थी वो थोड़ी सी, गुजरात से प्रेम जरूर था लेकिन खुद की सौराष्ट्र या काठियावाड़ इस प्रकार का एक लगाव था, तो उसको जोड़ने के लिए केशुभाई को आगे किया। उसमें नेशनलिज्म जो एक होता है, जो भाजपा का जो शुरुआती एजेंडा भी था, बिल्कुल, और उसके चक्कर में केशुभाई पटेल आते हैं आगे, केशुभाई पटेल आते हैं मुख्य, और शंकर सिंह वाघेला आते हैं, लेते हैं छबीलदास मेहता को हटा करके 95 में भारतीय जनता पार्टी पहली बार यहाँ सत्ता में आती है।